This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. याद है किसी को? नहीं याद नहीं है। एनिवे स्टार्ट कराना था, I think so। चलो फिर आज हम स्कैनिंग से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्कैनिंग स्क्रीन तो शेयर कर दो। वेट मनीष, चलो तुम बताओ स्कैनिंग के बारे में आप क्या जानते हो? स्कैनिंग के बारे में मैं ये जानता हूँ कि जैसे कोई भी नेटवर्क हो गया, हमें वो स्कैन करना है। स्कैनिंग के लिए वो है, मतलब एक तरीके से वल्नरेबिलिटी या कोई भी कमजोरी किसी सिस्टम के अंदर या निकालनी होती है तो उसके लिए स्कैनिंग करी जाती है, और रिकॉनेसेंस के लिए स्कैनिंग करी जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, गैदरिंग करने के लिए। अच्छा, अगर तुम किसी नेटवर्क को स्कैन करते हो तो एक्टिव रिकॉनेसेंस में आएगा या पैसिव में आएगा? ये तो ये एक्टिव, हम जो रिकॉनेसेंस करते हैं, एक दो टाइप के रिकॉनेसेंस होते हैं, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक तो जैसे हम कमांड चला के उसके सिस्टम में क्या, मतलब किस कौन सा वर्जन है, कौन से विंडो पर चला रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम एनमैप का यूज करते हैं लाइक किसी आईपी एड्रेस के या किसी नेटवर्क की स्कैनिंग करने के लिए, तो वो स्कैनिंग जो होगी वो एक्टिव रिकॉनेसेंस के अंदर आएगी या पैसिव रिकॉनेसेंस के अंदर आएगी? थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लग रहा है उसको नॉर्मल सी बात है, एक्टिव के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन पता है, सीधे बताया था। सुनो, मैंने सीधे पता है मुझे, बात सुनो, मैंने सीधे बताया था कि पैसिव मतलब क्या होता है, पब्लिकली अवेलेबल जितने भी इंफॉर्मेशन, पब्लिकली अवेलेबल। और एक्टिव में क्या होता है, तुम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो टारगेट के साथ। हां, तुम किसी आईपी एड्रेस, किसी नेटवर्क पे या किसी सबनेट पे, एक नेटवर्क के पूरे इंटायर नेटवर्क पे जब तुम पिंग करोगे या स्कैनिंग चलाओगे तो क्या वहाँ पे तुम्हारा पब्लिकली ले रहा है वो, कि डायरेक्ट तुम इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ? डायरेक्ट इंटरेक्ट, तो इंटरेक्ट कर रहे हो नेटवर्क के साथ, तुम्हारे पैकेट्स जा रहे हैं। आईसीएमपी के पैकेट्स जाएंगे, पिंग करेगा पहले सिस्टम को, देखेगा सिस्टम ऑन है या ऑफ है, पिंग करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी ना स्कैन कर लेगा, यार नहीं भी पिंग करोगे तब भी करेगा, उसका भी ऑप्शन होता है, बट बेसिकली पिंग करता है पहले चेक करने के लिए कि सिस्टम ऑन है या होस्ट ऑन है, अप है या डाउन है, वो सारी चीजें चेक करेगा ना वो। बिल्कुल। तो भाई एनमैप की स्कैनिंग जो होती है वो हमारी एक्टिव आता है। और तुम्हारा एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, लेकिन एक बात है, स्कैनिंग के लिए सिर्फ एनमैप ही थोड़ी ना, बहुत सारे स्कैन है, बट एनमैप थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि इसके पास खुद की एक तरह से देखा जाए तो लाइब्रेरीज हैं, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे होगे। लाइब्रेरीज क्या है, मतलब लिस्ट है एक पूरा, स्क्रिप्ट्स, हर एक चीज। मुझे स्क्रिप्ट्स पता, एक बार स्क्रिप्ट्स का ऐसी मतलब समझा दोगे? दिखा रहा हूँ, वेट करना। देखो, स्क्रिप्ट बेसिकली वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह परफॉर्म, बेसिकली इनुमरेशन के लिए ज्यादातर यूज कर सकते हो तुम स्क्रिप्ट्स का, वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, सीवी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। मुझे जो बताया गया था, खाली स्क्रिप्ट फाइंड आउट करने के लिए होती वल्नरेबिलिटी, करंट वल्नरेबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट तो देखो, स्क्रिप्ट ये खुद स्क्रिप्ट है, जिसका तुम यूज कर रहे हो वो स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट क्या फाइंड आउट करोगे तुम? स्क्रिप्ट क्या फाइंड आउट करोगे किसी नेटवर्क में? स्क्रिप्ट क्या होगी वो, सीवी नंबर निकालोगे। अच्छा, फुटप्रिंटिंग एंड फिंगरप्रिंटिंग में मैंने डिफरेंस क्या बताया था, ये बताओ। देखो, फुटप्रिंटिंग वो है जैसे हम कोई भी लॉक्स जो होते हैं, जो हमारे मतलब जो हमने जो भी चलाया है, तो उससे मतलब लॉक्स रह जाते हैं, मतलब एक तरीके से, मतलब ये जैसे हमने वर्ड्स देखे, जैसे वर्ड है फुटप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग, ये इसी से समझ में आता है कि हमने मतलब जो लॉक्स छोड़े उसको क्लियर करना। तो फुटप्रिंटिंग एक मिनट, देखो फुटप्रिंटिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। फुटप्रिंटिंग क्या होता है, अगर तुमको बाय चांस एड्रेस मिलता है स्कैन करने को, ठीक, तुमने अगर उस आईपी एड्रेस को स्कैन किया और तुमको फाइंड आउट हो कि लाइक पोर्ट 443 पे एक HTTPS की सर्विस चल रही थी, HTTPS की सर्विस चल रही, तो जस्ट इतना ही मिलता है। तो वो तो हो गया तुम्हारा फुट प्रिंटिंग के अंदर, ठीक ठीक। बट जब तुम फिंगर प्रिंटिंग के अंदर आओगे तो उस 443 पोर्ट पे जो HTTPS, सुनो, जो उस पोर्ट पे चल रहा है 443 पे HTTPS की सर्विस चल रही है, वो किसके थ्रू चल रही है? लाइक अपाचे के थ्रू चल रही है, Nginx के थ्रू चल रही है, या कुछ HTTPS के ही प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू चलती है, या एक होता है SSL टाइप का, SSL मोड OpenSSL करके होता है, उसके थ्रू भी चलता है। तो जब उसको तुम फाइंड आउट करोगे तो वो चीज़ हो जाता है तुम्हारा फिंगर प्रिंटिंग, क्योंकि फिंगर प्रिंटिंग, पोर्ट प्रिंटिंग में तुम ओवरव्यू लेते हो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नेटवर्क का, एक पर्सन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। बट फिंगर प्रिंटिंग में तुम जो पोर्ट प्रिंटिंग में जो तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसके बारे में अच्छे से उसके पूरा फिंगर प्रिंटिंग करना, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना, OS वर्जन निकालना, डिटेक्शन करना, OS कौन सा है, कर्नल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, तो वो फिंगर प्रिंटिंग। पोर्ट प्रिंटिंग में जस्ट तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक पोर्ट ओपन है और वो कौन से प्रोटोकॉल के लिए ओपन है, लाइक 50 ओपन है HTTP के लिए, 21 FTP के लिए। बट FTP अगर ओपन है तो वो वर्जन कौन सा यूज कर रहा है, मतलब कर रहे हैं। डिटेल नॉलेज, डिटेल के बारे में वर्जन्स वगैरह की जो नॉलेज होती है उसी को फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ओपन मिल रहा है, सर्विस एक पोर्ट वगैरह ओपन मिल रहा है, तो उसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे वो फिर फिंगर प्रिंटिंग के अंदर आएगा। उसके बहुत सारे वे हैं, उसको हम स्कैनिंग में देखेंगे अच्छे से। देखो स्क्रिप्ट क्या है ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट में बहुत सारे स्क्रिप्ट है हमारे पास। अगर तुम देखोगे यहाँ पे बहुत सारी पूरे एनमैप की स्क्रिप्ट की ही लिस्ट, और अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट हैं। देखो आउथ वगैरह का है, ब्रूट फोर्स करने के लिए है, सर्च वगैरह के ब्रूट फोर्सिंग भी परफॉर्म कर सकते हो, एसएनएमपी के भी ब्रूट फोर्स कर सकते हो, MySQL के, HTTP के, FTP का भी होगा। FTP का भी अगर तुम देखोगे मे भी होगा जरूर, FTP brute.nsc है ना, इसका यूज करके तुम एक HTTP का ब्रूट फोर्स परफॉर्म कर सकते हो, SSH का कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बेसिक जो मतलब कॉमन पोर्ट्स हैं उनका, उनके ऊपर तुम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी बात आती है कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, आफ्टर फूड प्रिंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग दैट हैकर्स यूज टू साइन अप साइज अप is where they dive deeper into the system to look the valuable data and service in a specific IP address, like live system, open service, vulnerability scan, CVE number के थ्रू होता है, स्क्रिप्ट के थ्रू होता है। लाइव सिस्टम क्या है, क्या चीज? ये लाइव सिस्टम, लाइव सिस्टम मतलब कितने सिस्टम है जो कि तुम्हारे उस नेटवर्क में, इंटर नेटवर्क में अप है या डाउन है। ओपन पोर्ट्स मतलब समझ में ही आ गया। तो ये लाइव की जगह इससे स्टेटस होता सिस्टम होना चाहिए। नहीं, लाइव सिस्टम्स का मतलब वही होता है कि कितने सिस्टम्स अप हैं, टाइम करेक्ट अच्छा लाइव है, जिनके थ्रू तुम मतलब पिंग स्कैन करके चेक कर सकते हो कि वो रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं, एसएमपी पैकेट्स का। अच्छा 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 अच्छा। और जो तुम्हारी की डायरेक्टरी होती है वो हर एक काली मशीन में सेम होती है, यूजर शेयर एनमैप स्क्रिप्ट, ठीक है। और एनमैप जो स्क्रिप्ट लिखे गए हैं वो ज़्यादातर लुआ लैंग्वेज में है, अभी तो सी में भी कुछ एडिट हुए हैं, मे भी देख लेना, बट ज़्यादातर लुआ में है और सी में है, ठीक है, C++ में। एंड फॉर लोकल नेटवर्क स्कैन, देखो एक चीज़ होता है, ये कुछ कमांड्स हैं, RP स्कैन एल एंड नेट डिस्कवर, मे भी हम पहले भी यूज किए हों। और एक होता है NMAP SN IP रेंज, ठीक। मान के चलो मुझे अपने नेटवर्क में फाइंड आउट करना है कितने IP एड्रेसेस ऐसे हैं जो अभी करंटली ओपन है, ठीक है। वेट करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, R-N-L, ये देखो ये इंफॉर्मेशन ला रहा है कुछ, इतने IP एड्रेसेस का। सही है। ये देखो ये जितने भी आईपी एड्रेस हैं इस टाइम इस जिस राउटर कनेक्ट उसमें ये सारे आईपी एड्रेसेस अभी अप हैं, ठीक है। ओके हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा जितने भी आईपी एड्रेस ये सारे के सारे अप हैं अभी करंटली, ठीक है। एंड दूसरा तुम्हारा कमांड होता है नेट डिस्कवर का। नेट डिस्कवर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे से काम करता है। देखो इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन ही है उतना अभी तक, कि मैं अभी एक घर के नेटवर्क पे हूँ तो यहाँ पे अच्छा एक बात बोलती थी डिवाइसेस नहीं है। हाँ बोलो। वैसे जैसे मान लो nmap और ये मैक एड्रेस आता है तो स्कैन हो जाता है nmap एंड मैक एड्रेस? नहीं होगा भाई, ये चीज़ तो रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने ट्राई नहीं किया बट मैं 99% श्योर हूँ कि nmap जो होता है वो नेटवर्क मैपिंग का होता है, वो आईपी एड्रेस पे ही करेगा। आईपी पे नहीं करेगा तुम्हारा मैक एड्रेस तो डिवाइस का होता है। एक चीज हो सकता है तुम आईपीपी वर्जन 6 का कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, बट मैक का तो नहीं कर सकते बेबी। अच्छा आईपी जो 6 में आती है, लाइक अगर मैं करूं एक सेकंड आईपी एड्रेस करूं, ये जो एड्रेस आ रहा है तुम्हारा ना ये, हाँ ये तो अभी वर्जन 6 है, हाँ इसको तुम स्कैन कर सकते हो बट मैक एड्रेस का नहीं कर सकते। मैक के कुछ अदर टूल्स आते हैं जिनके थ्रू मैक स्पूफिंग कर सकते हो, लोकेशन वगैरह, वो वाईफाई में बेसिकली वाईफाई के ऊपर जब काम करोगे तब हम उसमें देखेंगे कि मैक एड्रेस को कैसे स्पूफ करना है, कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा मैक एड्रेस का बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन क्या होता है नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस पे काम होते हैं, वो भी बेसिकली आईपीपी वर्जन 4 पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसके बारे में पढ़ना। मैंने पहले ही देखो मैंने जब पहले वीडियो डाला था उसी टाइम मैंने सबको बोल दिया था, सबको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है कि nmap के नेटवर्क के बारे में पढ़ लो सारे लोग। तो जो पढ़ लेगा, सीधी सी बात है, जो अगर पढ़ लेगा उसको उतना उसी को समझ में आने वाला है nmap, नहीं तो नहीं आने वाला। वहीं से नहीं कहीं से पढ़ो, बाकी नेटवर्क के बारे में बेसिक आइडिया ले लो, ओएसआई का, टीसीपी आईपी का, सबनेटिंग का, सीआईडीआर वैल्यू का, आईपी एड्रेसेस के बारे में, एंड उसके बाद तुम्हारे बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह लैन मैन सैन कैन इन सब के बारे में पढ़ लो। एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे सर्विसेज हैं ओएसपीएफ हो, स्विचिंग, इतना तो बेसिक आइडिया रखो अपने पास, सीधी सी बात मिलेंगे। इतना बेसिक में टीसीपी आईपी ओएसआई एंड कुछ अदर चीज़ें हैं, स्विचिंग राउटिंग, इतना तो सीख लो, पक्का सीख लो। 2-3 घंटे का चीज़ है, कहीं से भी पढ़ लो, कोई नहीं। नई सीसीएनए की बुक चाहिए होगी तो बताना, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है क्या आता है इसके बाद? ऐसे ही nmap के थ्रू भी कर सकते हो, nmap हाइफनेशन एंड आईपी रेंज दे सकते हो या जस्ट आईपी दे सकते हो, अगर नहीं भी दे रहे हो तब भी हो जाएगा। अभी बात आती है पोर्ट स्टेटस टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन मेरी ऑन है या नहीं? हाँ ऑन है। ये आईपी एड्रेस है 1.8। अगर मैं एक nmap स्कैन करता हूँ बेसिकली लाइक दिस, देखो सब कुछ अवॉइड करना, खाली इस चीज को देखना, स्टेट को, ठीक है। ओपन 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 सारा ओपन आ रहा है, बट यहाँ पे तुम एज्यूम कर लेना कि दो ओपन है, उसके बाद क्लोज्ड है, कुछ फिल्टर्ड है, कुछ अनफिल्टर्ड है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, मैं बता दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। मतलब स्टेट में अगर ऐसा तुमको दिखेगा तो तुम क्या समझना, फिल्टर अनफिल्टर कहाँ दे रखे हैं, मतलब वो कैसे पता लगाया तुम? वो देगा, कैसे देगा? वो बहुत ही कम चांस है देने का, बट अगर मे भी कभी ना कभी दे सकता है। बाकी 3 चीज़ तो कॉमन है, इसको तुम पाओगे ही पाओगे। अब बेसिकली 2 चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है, ओपन एंड क्लोज। ओपन क्लोज तो कॉमन है, लेकिन फिल्टर अनफिल्टर्ड एंड अनफिल्टर्ड भी दे सकता है। कुछ टेक्निक्स होती है तो उनको तुम यूज करोगे तो वहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन भी देगा, और अभी आगे देखेंगे हम कैसे देगा वो। तो देखो अगर वहाँ पे ओपन आ रहा है पोर्ट का मैसेज, लाइक ओपन आ रहा है, खाली इसको एज्यूम करना पोर्ट वगैरह छोड़ दो, भी सर्विसेज एंड छोड़ देना, खाली स्टेट की वैल्यू को देखना। ठीक ठीक, अगर वहाँ पे ओपन आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो पोर्ट ओपन है और एक्सेसिबल से मतलब क्या हुआ, उसमें मुझे लिसनिंग हो सकती है उसमें, एप्लीकेशन इज लिसनिंग ऑन इट। लाइक अगर पिंग करोगे तो वो रिप्लाई करेगा तुम्हारे पिंग, रिप्लाई करेगा। पैकेट तुम सेंड करोगे तो वो रिप्लाई करेगा, थ्री वे हैंडशेक करोगे तो वो करेगा। एंड अगर क्लोज्ड आता है तो फिर वो एक्सेसिबल नहीं, वो रिप्लाई नहीं करेगा। अगर क्लोज्ड आता है इसका मतलब वो जो पोर्ट है, और ये चीजें पोर्ट पे होंगी, इसको भी ध्यान देना। पोर्ट दिख रहा है ना अभी, तो पोर्ट को देख लो। हाँ। जैसे 21 अभी मान के चलो कि तुम्हारा 80 TCP पे HTTP ओपन है, बट अगर तुम अभी ये ओपन है मान के चलो क्लोज है, तो अगर तुम्हें HTTP की सर्विस विजिट करनी है तो तुम 80 पे ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 22 डाल दोगे तो तुम्हारी वेबसाइट ओपन, 22 डालोगे तो तुम्हारा SSL का कनेक्शन ओपन होगा। जैसी सर्विस होती है कॉन्फ़िगरेशन जैसा होता है वैसे ही मिलेगा। ठीक, चीजें नॉर्मल होती हैं, जैसे कि अगर तुम खाली आईपी एड्रेस डालते हो ब्राउजर पे तो वो बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट लेता है या 443 लेता है। ठीक है, एचटीटीपीएस के साथ 443 लेगा, एचटीटीपी के साथ अगर जस्ट आईपी डालोगे तो वो 80 पे ही जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान। एंड अगर क्लोज देता है तो इसका मतलब समझ जाओ कि पोर्ट जो है इनएक्सेसिबल है एंड नो एप्लीकेशन इज लिसनिंग ऑन इट। मतलब कोई भी अगर तुम पिंग करोगे, आईसीएमपी पैकेट्स को सेंड करोगे तो वो रिसीव नहीं करेगा ना, तो तुम्हें रिप्लाई देगा। एंड अगर फिल्टर्ड है इसका मतलब है वो पोर्ट तो एक्सेसिबल है बट वहाँ पे फायरवॉल होगा, वहाँ पे फायरवॉल लगा है तुम्हारा, वो पैकेट्स को फिल्टर आउट करेगा। वो चेक करेगा कि पैकेट्स कैसे आ रहे हैं, मैलिशियस पैकेट्स तो नहीं है, अब बहुत ज़्यादा सिंक के पैकेट तो नहीं है, लाइक डॉस अटैक तो परफॉर्म हो रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स जो है स्कैनिंग कर रहा है। कुछ लोग होते हैं लाइक T5 पे चला दिया एकदम इनसेन अटैक पूरा, उसमें तो पूरा डेटा नहीं बट उस टाइम तुम्हारा IDS IPS जो भी होगा वो ब्लॉक कर देगा। पैकेट तो फिल्टर होंगे ही होंगे बट तुम्हारा IDS IPS ऑटोमेटिकली IP एड्रेस ब्लॉक कर देगा। देखो लर्निंग फेज में तो तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी बट जब रियल इन्वायरमेंट में आप तो वहाँ पे पक्का मिलेगा, ये जान लो। लर्निंग फेज में अभी तुम लाइक ट्राई हैकमी हैकथबॉक्स पे कर रहे हो ना, वहाँ पे तुमको कुछ भी नहीं फेस होगा, वहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। बट जब रियल इन्वायरमेंट में आओगे ना तो वहाँ पे तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुम वही नहीं समझ पाओगे फिर कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो बहुत ही केयरफुली अटैक परफॉर्म करो, सोच समझ के करो कि हाँ कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, क्या टैक्टिक्स है क्या टेक्निक्स है, ध्यान से करो। एंड फिर आता है तुम्हारा अनफिल्टर्ड, इट मीन दैट पोर्ट और एक्सेसिबल बाई एनमैप बट इट इज नॉट पॉसिबल टू फिगर आउट, मतलब फिगर आउट नहीं कर पा रहा है ओपन है कोड या फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। जैसे वो बताते हैं ना कि वो हाइफन पीएम पिंग प्रोब का, हां तो उसमें वो कंफ्यूजन में रहता है। लाइक इसने पैकेट जैसे विक्टिम तो पैकेट सेंड कर रहा है बट वो सिस्टम पैकेट को रिसीव तो कर रहा है बट रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, वो उतना स्मार्टली वर्क नहीं करेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि ये टारगेट सिस्टम जो है, टारगेट सिस्टम हमारा ओपन है या क्लोज है। वो उस टाइम में कंफ्यूजन में आ जाता है, तो उस टाइम क्या करेगा, जस्ट अनफिल्टर्ड बता देगा तुमको, वो ये नहीं बताएगा ओपन क्लोज, वो अनफिल्टर्ड बता देगा। फिर से तुम करो, क्या पता उस टाइम पे फिर तुम्हारा ना ओपन दिखा सकता है या क्लोज दिखा सकता है, बट अगर उसको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ तो वो अनफिल्टर्ड दिखा। और फिल्टर तो बहुत जगह पाओगे तुम, जहाँ पे फायरवॉल होंगे वहाँ पे फिल्टर 100% मिलेगा, ये बहुत ही कॉमन है, 3 के 3 कॉमन है बट अनफिल्टर्ड बहुत ही कम केस में मिलता है। ठीक, ठीक। बाद आता है तुम्हारा 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक मैंने कैसे भी तुमको अच्छे से बता के रखा है, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। बैठ करो, मैं इस पे बता देता हूँ। यूज है कि चला गया? नहीं भाई, किसी को ज्यादा नहीं हीट हो रहा है। थ्री वे हैंडशेक, ठीक। अच्छा, थ्री वे हैंडशेक होता किस पे है, कौन से प्रोटोकॉल पे? मनीष? हाँ, टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? टीसीपी का ट्रांसफर, याद नहीं आ रहा है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ सॉरी, मुझे सी का मतलब नहीं पता। अरे लो, एंड यूडीपी का पता है? हैं? हाँ पता है। हाँ पता है, क्या होता है बताओ? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये लाइव स्ट्रीमिंग के काम आता है। वीडियो शेयरिंग। देखो बेसिकली यहाँ से समझ लो थ्री वे हैंडशेक को, जो तुम्हारा क्लाइंट है वो सर्वर को कुछ पैकेट सेंड करेगा, सिंक्रोनाइजेशन के पैकेट सेंड करेगा, लाइक चेक करने के लिए कि सर्वर जो है हमारा वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर सर्वर अवेलेबल हुआ तो वो क्लाइंट को सिंक्रोनाइजेशन का जो पैकेट होगा प्लस एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट में क्या कि वो बताएगा हाँ मैं लाइव हूँ या मैं रिप्लाई देने के रेडी हूँ, तो वो सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड करेगा। उसके बाद फिर से जो होता है क्लाइंट, वो अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ला के दो, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहीं तक नहीं है। ये जब कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा ना, उसके बाद भी पैकेट्स का जो एक्नॉलेजमेंट का होता है वो चलता रहता है प्रोसेस। सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट तो एक बार हो जाएगा, बट उसके बाद पैकेट करने का, सेंड करने का प्रोसेस चलता रहेगा, जबकि कनेक्शन तुम क्लोज नहीं कर दोगे। कनेक्शन क्लोज कैसे होता है वो हम देखेंगे बाद में। इतना समझ में आ गया ना? इसके बारे में पढ़ना, थ्री वे हैंडशेक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। TryHackMe पे भी है, क्योंकि हर एक चीज को इतना डीप में अभी समझाने बैठेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अपने को इतना ही समझना है, बाकी पे रिसर्च करो। मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ पढ़ना क्या है, बाकी हर एक चीज़ को अगर मैं भी लेके चलूँगा तो भाई 2-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि मुझे लग चुके हैं। तो रिसर्च करो आप लोग, ठीक है? ये समझ में आ गया। अभी बात आती है टीसीपी फ्लैग्स की। ये तो तीनों चीज़ें, इसको पढ़ लेना, TryHackMe पे अच्छे से है। थ्री वे हैंडशेक नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल भी देख लोगे करके, ठीक है? उसके बाद आता है फर्स्ट होस्ट सेंड अ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट टू द सेकंड। तो ये होस्ट को मैं समझना, ये क्लाइंट एंड सर्वर के हिसाब से समझना। तो फर्स्ट जो होता है वो क्लाइंट होता है, वो सेंड करेगा एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट को सर्वर को या सेकंड होस्ट को ही मान के चलो, टारगेट सिस्टम को। फिर सेकंड होस्ट रिस्पॉन्ड विद द सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट। इट इंडिकेट दैट द पैकेट वाज रिसीव्ड, मतलब वो बताएगा, जो सर्वर है हमारा वो हमको बताएगा कि हाँ हमने आपका पैकेट रिसीव कर लिया, और ये फिर बताता है कि हाँ हमारा कनेक्शन जो है वो एक तरह से सिक्योर कनेक्शन है और हम पैकेट को सेंड एंड रिसीव करने के लिए रेडी हैं, ठीक। फिर क्या होता, फर्स्ट होस्ट कंप्लीट्स द कनेक्शन बाय सेंडिंग द एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट। फिर वो अपना एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड करेगा, चाहे उसमें वो कुछ डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है या कुछ डेटा सेंड कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। फिर आते हैं हमारे टीसीपी के फ्लैग्स। तो पहला हो गया सिंक्रोनाइजेशन, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है, एक होता है रीसेट का, एक होता है फिनिश का, एक होता है पुश का, एक होता है अर्जेंट का। तो सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या करता है, इनिशिएट्स अ कनेक्शन। तो ये बेसिकली कनेक्शन क्रिएट करने के लिए काम में आएगा तुम्हारा। एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को सर्वर तक भेजेगा, या सर्वर अब कुछ रिक्वेस्ट जो होगी, रिस्पॉन्स जो करेगा वो भी एक्नॉलेजमेंट के ही अंदर आएगा, विक्टिम तक जो सेंड करेगा वो एक्नॉलेजमेंट हो गया। रीसेट का मतलब ये हो गया कि तुमने मान के चलो एक थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट किया, ठीक। आप डाटा शेयरिंग कर रहे हो, लाइक फाइल ट्रांसफर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बट उसके बाद तुमको स्टॉप करना है। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ आ रहा है, मैं बोल रहा था। मैं अगर तुम्हारा 3D हैंड से कंप्लीट हो चुका है, बट तुम डाटा शेयरिंग भी कर रहे हो, बट तुमको वो कनेक्शन अभी चेंज करना है। लाइक कुछ क्या पता कनेक्शन में तुम्हारे एरर आ गया, तुमने डिटेक्ट किया कि हाँ ये फाइल पहले जानी थी नहीं गई, या तुम्हें भेजना ही नहीं है, नॉर्मल सी बात कि तुम्हें अभी आगे डाटा शेयरिंग नहीं करनी, तो तुम जस्ट रीसेट के कमांड दे सकते हो। ये सारी चीज़ें कैसे देना है वो IDS IPS पे, उसके थ्रू, फायरवॉल के थ्रू कैसे करना है, कैसे रोकना, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। वैसे इतना इन सब का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, बट जब पड़ेगा तो हम सीख लेंगे। ये सब कमांड उतना तुम यूज करने वाले हो नहीं, ये सब बैकग्राउंड के प्रोसेस होते हैं, बस इतना जान लो। बाकी ये तो तुम कंट्रोल सी कर दोगे एक तरह से, जान लो। अगर पैकेट रिसीव कर रहे हो कंट्रोल सी कर दिया तो वो रीसेट का ही कमांड हो गया तुम्हारा, समझ लो। बाकी नेटवर्किंग लेवल पे होता है, अच्छे से होता है, वहाँ पे सारी कमांड्स वगैरह तुम मैनुअली दोगे या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे कि हाँ कब तक तुमको रिसीव करना है, अगर कैसे मलिशियस डेटा आ रहे हैं, जब सॉक वॉक फिट वहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, ठीक है। फिनिश का क्या है कि फिनिश भी एक तरह से वही है कि तुमको सारे पैकेट, हमारे पैकेट सेंड हो जाएँ तो उसके बाद तुम कनेक्शन फिनिश हो जाए। रीसेट में क्या होता है ना, देखो हाँ रीसेट में मैंने शायद एक मिस्टेक कर दी। रीसेट में क्या होता है, वो कनेक्शन पूरी तरह क्लोज नहीं करता है, वो स्टॉप करेगा बट दोबारा शेयरिंग स्टार्ट करेगा, इसको जान लेना, ध्यान से सुनना, ओके। रीसेट में ऐसा नहीं है कि तुमने डाटा शेयरिंग, मैंने शायद गलत बता दिया कि वो स्टॉप कर देगा, स्टॉप तो करेगा बट वो फिर से स्टार्ट करेगा, इसको भी जान लेना। रीसेट कर रहा है वो सिस्टम, ऐसा नहीं कि वो डाटा शेयरिंग बंद कर देगा, एक बार बंद करेगा फिर रीसेट करेगा फिर से वो स्टार्ट करेगा, शुरू से करेगा, इसको जान लो, ओके। ऐसा नहीं कोई स्टॉप, वो चीज़ होता है तुम्हारा फिनिश में कि अगर तुमको नहीं डाटा शेयरिंग नहीं करना है, लाइक रीसेट भी नहीं करना कि फिर से पूरा सिस्टम रीसेट करके फिर से डाटा शेयरिंग, तो तुम फिनिश का कमांड दे सकते हो पूरा कनेक्शन क्लोज करने के लिए कि हाँ फिनिश हो गया। उसमें एक साथ, उसमें क्या होता है व्यू एक ही साथ भेजते हैं सारा डेटा, उसमें कुछ चीजें हम जैसे अगर किसी पैकेट के ऊपर हमने पुश का कमांड दे दिया तो वो इमीडिएटली जा सकता है, लाइक वो पहले भेजा जाएगा। और अर्जेंट में भी सेम ही होता है, डाटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली। पुश में तो यही होता है कि अगर पुश फ्लैग लगा दिया ना तो जितना डाटा जा रहा है उससे पहले जितना जा रहा है उसको मतलब बूस्ट अप कर देगा, उसको जल्दी भेजेगा। और अर्जेंट में क्या होता है कि जिस पे अर्जेंट है ना उसको पुश वाले पैकेट से भी पहले भेजेगा, पुश से भी पहले भेजेगा उस अर्जेंट वाले पैकेट को। अर्जेंट वाले पैकेट एक बार जरा ये दोबारा बताना कि क्या कौन सा तुमने कही थी, कौन सा दोबारा भेजेगा। देखो पुश क्या होता है, जैसे बताओ तुम ही बता दो पुश क्या होता है। मान ले पुश फ्लैग लगाया तूने, ठीक है, तो जो पैकेट्स जा रहे हैं तेरे उनको थोड़ा धक्का लगाएगा, उनको थोड़ा तेज करेगा, उनको पहुंचाएगा, ठीक है। अर्जेंट में क्या होता है कि जो पैकेट्स जा रहे हैं तो उन पे पुश फ्लैग है या नहीं है, कोई भी फ्लैग जा रहे हैं, अगर उस जो पैकेट तेरा जा रहा है उस पे तूने अर्जेंट लगाया है तो वो सबसे पहले जाएगा। अगर पुश वाला भी बीच में कोई आता है ना तो उससे भी पहले अर्जेंट वाला जाएगा। अच्छा, ठीक है। पुश वाला तो सबको लेके जाएगा, अर्जेंट वाला पुश वाले से भी पहले जाएगा अगर अर्जेंट लगा हुआ है तो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गया, समझ में आ गया। इसके बारे में पढ़ लेना, टीसीपी फ्लैग ये मैंने पहली बार पढ़ा। बेसिकली तुम्हारा इतना यूज होना है, इसको जान लो, दो ही यूज करोगे तुम, सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट का। बाकी हाँ कहीं पे जैसे RST वगैरह का भी, RST का यूज कर सकते हो, फिन का। बाकी पुश एंड अर्जेंट तुमको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उतना वो सब नेटवर्किंग वालों का काम होता है, अपने को इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट जानकारी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली अगर तुम ब्लू टीमिंग में जा रहे हो तब तो तुम अच्छे से यूज करोगे, इसको भी जान लो। लाइक अगर तुम ब्लू टीमिंग में जा रहे हो, सॉक की टीम में जा रहे हो कहीं पे, तो वहाँ पे यूज होगा इसका, अच्छे से क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक। एंड ये चीज़ें हम देख लेंगे बाद में, कमांड्स तो मैं बताऊंगा, एक तरफ से बताऊंगा, उसका टेंशन ना लो। अभी मैं आता हूँ अटैक्स टाइप पे यहाँ पे, ठीक है, टाइम टेक्निक्स पे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली एनमैप में तुम्हारे 6 टाइप की टाइम टेक्निक्स होती है, और टाइम टेक्निक्स करती क्या, द टाइम टेक्निक्स इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू इवेड फायरवॉल IDS। अच्छा, IDS का फुल फॉर्म पता है तुमको? जल्दी बोलो। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। यस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड आईपीएस का होता है तुम्हारा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये सारी चीजें छोटी छोटी याद रखो, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ना ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे तुमको हमेशा प्रैक्टिकल ही नहीं करवा रहे। क्या पता तुम्हारा प्रैक्टिकल फेज बहुत अच्छा हो बट थ्योरी में तुम फंस जाओगे, तो जान लो थ्योरी भी जरूरी है। अभी तुम पता चला ब्लू टीमिंग में जा रहे हो, सॉक में जा रहे हो या पेंटेस्टिंग में ही जा रहे हो, आईडीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया नहीं बता पाए तो तुम्हारा सब कुछ बेकार है। तुम चाहे लेटरल मूवमेंट कर ले जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी ब्रीच कर ले जाओ, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा उस टाइम पे। इसको जान लो, तो पढ़ो, छोटी छोटी चीज़ों को जानो। मैंने सब कुछ प्रोवाइड करके रखा है बट कोई नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है। द आइडिया बिहाइंड दिस टेक्निक इज टू सेंड द पैकेट्स ग्रेजुअली सो दे डू नॉट एंड अप बीट डिटेक्टेड बाई फायरवॉल आइडियाज इन एनमैप। we can launch a time scan by specifying the t command following by number ranging from 0 to 5। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह से जान लो टाइम टेक्निक्स को थ्रेड्स की तरह सोचना कि ये थ्रेड्स होते हैं, इनको तुम एज अ थ्रेड्स की तरह यूज करते हो फायरवॉल या आइडियाज को बाईपास करने के लिए। अभी बाईपास क्यों करेंगे, अभी बात ये आ जाती है कि हम बाईपास क्यों करेंगे। बाईपास हम इसलिए करेंगे कि क्या पता वो इंटायर नेटवर्क जो हो बहुत ही बड़ा हो, हमको ज़्यादा देर तक स्कैनिंग करना पड़े, बट उसका आईडीएस आईपीएस हमको 5 मिनट की स्कैनिंग का तो दे रहा है सिस्टम कि हाँ ठीक है आप 5 मिनट कर सकते हो, बट उसके बाद क्या पता हमारे पैकेट्स कुछ ज़्यादा सेंड हो जाए, वो ब्लॉक कर दे। तो इसमें कुछ टाइम होती हैं, या फिर कम ही टाइम में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी हम टाइम टेक्निक्स का यूज करते हैं। लाइक T0 अगर तुम कर दोगे पैरानॉइड, बहुत ही मतलब नॉर्मल, जो तुम्हारा नॉर्मल लाइक एनमैप और आईपी का दे देते हो ना, आराम आराम से करता रहता है स्कैनिंग, तो वो पैरानॉइड में आ गया। स्नेकी भी उसी टाइप का मान के चलो। पोलाइट थोड़ा सा कर सकता है फास्ट, थोड़ा सा नहीं। पैरानॉइड बाय डिफॉल्ट T3 पे चलता है एनमैप। पैरानॉइड ना एनमैप जो स्कैनिंग करता है ना, एनमैप दे दिया और आईपी दे दी, वो तो नॉर्मल करेगा ही, वो बाय डिफॉल्ट T3 पे चलता है, पैरानॉइड पे नहीं चलता। नहीं बता रहा हूँ, इसे अगर तुम पैरानॉइड करोगे तो बहुत ही आराम आराम से पैकेट जाएंगे, धीरे धीरे, मतलब हाँ। बहुत ही स्लो, और डिटेक्शन टाइम तुम्हारा जो होगा बहुत ही ज्यादा लंबा होगा, समझ रहे हो। वो तो पता ही है कि एनमैप अगर तुम चलाते हो तो नॉर्मली, बट नॉर्मली नहीं, कुछ अगर तुम कमांड चेंज करते हो तो तुम्हारा पोलाइट भी हो सकता है, स्नीकी भी, क्योंकि अगर टाइम टेक्निक्स लगा दिए तो नॉर्मल चल सकता है, मतलब वो नॉर्मल स्कैनिंग भी करेगा बट धीरे धीरे करेगा, रिजल्ट कितने कितना ही लाएगा बट टाइम बहुत ज़्यादा लेगा वो फिर। और एग्रेसिव होता है तुम्हारा, एंड फिर होता है इंसेन। इंसेन में क्या होता है, बहुत ही सारे पैकेट्स एक ही टाइम पे भेजता रहता है वो, एक तरह से जैसे पिंग फ्लड हो जाता है। पिंग फ्लड का नाम सुने हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो टारगेट सिस्टम का आईपीएस या आईडीएस होगा या फायरवॉल होगा, वो तुम्हारे आईपी को ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं T3 का या T4 का एक्सेसिव स्कैन करने का। इंसेन का एक और कारण है यूज ना करने का, ये एकदम इतने ज्यादा पैकेट्स जो भेजता है ना, तो उसमें पैकेट ड्रॉप होते हैं, बिल्कुल कई बारी एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाता ये कि ये भी चल रहा है, हो सकता है वो जिस टाइम पता लगाने का उस टाइम इसने पैकेट ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बहुत फास्ट पैकेट जा रहे होते हैं, बिल्कुल, तो इसलिए हम T5 यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक बात पूछनी थी वाले, हाँ। ये फिर भी मतलब कौन सा सही हो, बढ़िया कौन सा होता है? मोस्टली T4 बढ़िया रहता है, T4 एंड T3। हाँ, और T3 तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर लाइक एक सेकंड देखना, अभी डिफरेंट देखना, तुम डिफरेंट देखना, यहाँ पे आईपी इसका 1.8 था ना, ठीक है सर। एनमैप करता हूँ एंड इसको हटा देता हूँ, फास्ट स्कैन को, आ गया। एंड अगर मैं बेसिकली ये तो मेटास्प्लॉइटेबल है, इतना जल्दी रिजल्ट आएगा नहीं, ये 0.49 सेकेंड का दे रहा है, बट हम ट्राई करते हैं कि सेम स्कैन जो था हमारा उसको हम T3 पे कर लेते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या आता है टाइम का। 0.58 में आया। एंड अगर हम T4 करते हैं तो 0.46, तो यही फर्क होता है। अभी देखो अगर हम T5 भी कर दें क्या होता है, कुछ कम आएगा, 50 पे आया, बट इसको और कम चाहिए। इसने क्यों ज़्यादा दिया ये नहीं समझ में आ रहा कि ज़्यादा क्यों दिया, बट पैकेट से तो ड्रॉप किए होंगे फिर से भेजा। बाकी बेसिकली हमेशा ट्राई करना। देखो इसमें T3 में हमारा क्या था 58 सेकंड ये ले रहा था 0.58 सेकंड एंड T4 बेसिकली तुम्हारा 0.46। तो देखो बेसिकली क्या करोगे तुम जब भी स्कैन करना ट्राई करना भाई T4 पे करना या T3 पे करना, या फिर टाइम टेक्निक्स का यूज ही मत करना, नॉर्मल स्कैन कर लेना अगर नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं है स्कैन करना, और सारे पोर्ट का करना ठीक ना। ये बाई डिफॉल्ट वैसे ये कितना 1024 ही लेता है, इसने पता नहीं कैसे 8180 ले लिए। तो हाइफन पे हाइफन तो लाके देखिए वो T5 पे ये इंफॉर्मेशन देता है, ऐसी बात नहीं है। ये मशीन का होगा कुछ। बाकी बाय डिफॉल्ट तुम्हारे जो पोर्ट स्कैनिंग होती है 1024 पोर्ट्स की ही होती है। लाइक अगर खाली इतना देते हो एग्रेसिव स्कैन में क्या पता वो एग्रेसिव स्कैन में भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और अगर सारे पोर्ट की स्कैनिंग करनी है तो हाइफन पी हाइफन ये सारे हम देखेंगे कमांड से सारे हम, ठीक है। अगर हाइफन पी हाइफन दे दोगे तो ये देखो बहुत टाइम लेगा, 12 सेकंड यहीं पे ले गया, 7 सेकंड हो गया। और ये जो चेक कर रहे हैं ये हम एरो की दबा के चेक कर रहे हैं, कोई भी एरो की दबा के टोटल कितने पोर्ट्स ओपन दिखाए इसने टोटल 65,505 पोर्ट जो है वो क्लोज्ड है तुम्हारे, ठीक है। और इतने में भी ओपन पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। 30 दिखाए हैं, 65,535 होते हैं टोटल। हाँ तो 30 ओपन होंगे तुम्हारे जो भी है। ये देखो इसने 12.97 एक तरह से मान के चलो 13 सेकंड्स का पूरा टाइम लिया, और उसने क्या किया मतलब 1 सेकंड के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो हमारा नॉर्मल था। मतलब पूरे इंटायर नेटवर्क नहीं कर रहे थे या पूरे आईपी एड्रेस नहीं कर रहे थे तो हमारा 0.40 पे आ जा रहा था, 0.49 पे आ जा रहा था, 46 पे आ रहा था, ऐसा आ रहा था। ये देखो ठीक है यही है। बाकी कल से हम सारे कमांड्स देखेंगे और मैं बता देता हूँ मेटास्प्लॉइटेबल जिसका नहीं इंस्टॉल होगा मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल कर लेना क्योंकि हम इसी के आईपी एड्रेसेस पे करेंगे। विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लेना, विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और कमांड्स के बारे में कमांड्स तो मैं बता दूँगा। और देखो कुछ चीज़ें और होती हैं, कुछ टूल्स हैं लाइक सुपर स्कैन 3.0 एंग्री आई पी स्कैनर के बारे में पढ़ा ही होगा। एनमैप का तो विंडोज़ के लिए आता है, जेनमैप होता है, एनमैप का GUI वर्जन होता है, उसका भी यूज कर सकते हो। बट कमांड लाइन पे करो, मुझे पर्सनली कमांड लाइन को ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि GUI में वो उतना मज़ा नहीं आता। सही बात है, जो मज़े जो फीलिंग यहाँ पे आती है वो वहाँ पे नहीं आता, ठीक है। इजी भी होता है, कमांड्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आगे पीछे, करने को तो वहाँ भी कर लोगे बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता प्रोसेस। यहाँ पे है चला के कर दो। इतना समझ में आ गया इतनी चीज़ें। बाकी हम कल से जो है सारे कमांड्स देखेंगे एक तरफ से, और ऐसा नहीं देखेंगे इसमें तो ये देखो मतलब बस बता दिया है इन्होंने। इसने भी नोट्स बनाया था, मैंने दूसरे से लिया था बट इन्होंने बहुत सही बनाया नहीं, तो बेसिक कमांड्स इन्होंने बता दिए लाइक सबनेट के साथ कैसे करना है। ये तो CIDR वैल्यू है तुम्हारी, CIDR के साथ कैसे करना है। हाइफन ये जो होता है तुम्हारा एग्रेसिव होता है, सर्विस वर्जन होता है, पोर्ट का नंबर दे के कैसे स्कैन करना है। हाइफन होता है पिंग प्रॉप के लिए लाइक अगर तुम्हारे होस्ट को टारगेट सिस्टम ब्लॉक कर रहा है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। हाइफन भी होता है तुम्हारा वर्बोसिटी के लिए कि जो तुम्हारी स्कैनिंग हो रही है उसको वो डिटेल रिपोर्ट में दिखाएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं और कमांड्स हम एक एक देखेंगे, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से कर लेंगे। पीडीएफ मुझे प्रोवाइड कर दो, चेक करना पड़ो, मैं और अच्छे से बना के दे दूंगा तुम लोग को, ठीक है। ठीक है अभी तक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये पूछा था पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो या फिर और अच्छे से बना सकते हो। देखो वीडियो में पूरा पढ़ा है, जिसको चाहिए होगा आराम से देख के पढ़ लेना क्योंकि अभी मेरा वो अकाउंट दरअसल ब्लॉक है, ब्लॉक नहीं है मतलब दूसरे के पास है मेरा, तो मैं अभी अपडेट नहीं कर पाऊंगा बट 2-4 दिन में जब आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, इसको मैं डाल दूंगा उसमें। मैं एक काम करता हूँ सुनो, मैं तुम लोग का ना एक बना देता हूँ उस पर नोशन पे नोट्स के रिलेटेड, उस पर जो भी वीडियोस कंप्लीट होंगी ना मैं डेट वाइज डाल दूंगा, टॉपिक वाइज या डेट वाइज जैसा होगा, ठीक है ठीक है, डाल दूंगा। वहां से सारे लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।